Okay, so guys, welcome back to my channel. I'm finally here at Asia's biggest music festival, Sunburn Goa. और आज है मेरा पहला दिन गोवा आके, ठीक है. और बहुत लोग यहाँ पे बेस जैकर्स के फैन बहुत मैं देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि जो लोग यहाँ पे आज आ नहीं पाए तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ बेस जैकर फैंस के लिए. तो ये रहा वीडियो, आई होप आपको पसंद आए. और बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मेरा आज पहला दिन व्लॉग क्यों नहीं आया, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, कल मैं एक स्पेशल व्लॉग बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं पूरा ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल का. तो आप जरूर देखना, आपको मेक श्योर करूँगा कि आपको हर एक चीज़ पता चले, टिकिंग प्राइसिंग कैसे यहाँ पे आना है सब कुछ बताने वाला हूँ. तो या मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. Thank you.
knee. I hope we can do it right this time. There's a lot of issues going on, but I love you guys. Thank you so much. Thank you.
having a good time. Oh, no.
चले वापस समझ के बाद ही चलते हैं। चला क्या भड़क के भाई, वॉल्यूम उधर कितना कम है क्या। फैन लोग भाई पूरा पैर पे गिरा दिए उसके, रेलिंग गिर गया उसके पैर पे। किस पे? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या गिरा, वो सबसे वीडियो फोटो ले रहा था ना, बैरिकेड में फोटो लिया, सब लोग छह लोग गिर गए उसके पैर पे, यहीं पे वहां पे, यहीं पे अभी ये रेलिंग टूट गई। अरे भाई टुमारो में छह लोग गिर गए, अब तो नहीं आएगा वो, कोई नहीं आएगा। लेट्स गो टू देन शार्लेट, नो अदर ऑप्शन वहां तो, और किंगफिशर स्टेज तो सब भाई शार्लेट में किंगफिशर। हां भाई सेट हो गया खत्म, अभी साउंड सिस्टम का इश्यूज के वजह से सेट जल्दी खत्म हो गया, लाइक आधा घंटा ही बजाया, लिटरली बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एक्चुअली मैं टेक्नो फैन इतना हूँ नहीं, तो ये प्रोग्रेसिव बजा रहा था तो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था। बट यार 15-20 मिनट बाद ही साउंड सिस्टम ने इतना इश्यूज़ हो गए कि आई थिंक सो वो गुस्सा होकर ही चला गया, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मैं इस पर क्या व्यू दूँ मुझे नहीं पता, आई थिंक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, जितना भी था मैंने आपको दिखाया, उसने जितना भी बजाया बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और किसी ने बोला कि यार कि जब वो हो गया सेट तो सीलिंग वो जो गिर गया उस पर, फैंस 6-7 जन गिर गए, वो भी पता नहीं क्या, मैंने देखा नहीं। तो यार पता नहीं अभी नेक्स्ट टाइम वो कभी आएगा कि भी नहीं इंडिया में, तो लेट्स सी। कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ पर मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ सनबर्न म्यूज़िक फेस्टिवल का, तो मेक श्योर करना वो देखने के लिए। और फिर लास्ट डे भी तो हार्डवेल है ही क्लोजिंग, हेलो सो नहीं आ रहा उस बारे में, कभी नेक्स्ट व्लॉग में कभी बात करेंगे। ओके सो गाइस अंटिल देन कीप वर्किंग कीप ग्रोइंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग में। ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं कोई भी कॉन्सर्ट से जल्दी निकल रहा हूँ, लाइक अभी 9:30 बजे और मैं अभी से निकल रहा हूँ, बिकॉज यार पता नहीं साउंड सिस्टम थोड़ा सा लो है या पता नहीं क्या चल रहा है, तो आई होप कल का दिन सब सही हो। पैसे वापस देंगे क्या हुआ ब्रो? अभी कुछ सब लोग एक्सपेक्टेशन लगा गए थे। अरे अच्छा मजा आ रहा था यार, अरे मजा आ रहा था पूरा ओल्ड इंडिया टेक्नो सुनसुन के पक गए, इसलिए मैं इधर आ रहा हूं, नॉर्मल भी इधर आ रहा हूं, पूरा सोचा वीडियो बना के चौक दूर तक आवाज आ रही थी, गाली सुनने वाले काम सिस्टम फेलियर, इससे अच्छा घर के भजन वाला बजा लेते हैं अपना।